सॉरी, हीरो की तरह नहीं बचा पाया। करण, क्यों उस रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं? हम इस रिश्ते को नहीं स्वीकार कर सकते। हम नहीं हैं आपकी पत्नी। बंद कीजिए ये ढोंग, मत रखिए अपने आप को धोखे में। नहीं है हम आपकी पत्नी और ना ही हम इस रिश्ते को मानते हैं। इस रिश्ते का ना कोई वर्तमान है ना ही भविष्य। कोई हक नहीं है हम पे आपका और आप पे हमारा। आप ना हमसे बात कर सकते हैं, ना फोन कर सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं और ना ही हमें मजबूर कर सकते हैं कुछ कहने के लिए। आप हैं और हम। हमारे बीच कोई संबंध नहीं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ये हुई ना बात। अब देखो, मुझे इतनी खुशी हो रही है सुनकर, तो सोचो ठाकुर साहब को कितनी खुशी होगी। अरे वो तो खुशी के मारे। अरे आबा बेटिया, इधर आओ जल्दी जल्दी। एक बहुत अच्छी खबर है और एक बहुत अच्छी खबर की उम्मीद। अब तुम बोलो, पहले अच्छी खबर सुनोगी या अच्छी खबर की उम्मीद बताऊं? नहीं, पहले अच्छी खबर सुनो। अच्छी खबर ये है कि संस्कार ने अपनी बदली उज्जैन में ही करवा ली है। अब ये यही नौकरी करेगा। और अच्छी खबर की उम्मीद ये है कि इसने अपने बॉस से बात की है ठाकुर साहब की किताब के बारे में। वो एक बहुत बड़े पब्लिशर को जानते हैं। संस्कार, वही वाह, तुम्हारा नाम ही संस्कार नहीं। सचमुच तुम्हारे संस्कार भी बहुत अच्छे। मामा जी, ये संस्कार देने वाले भी तो आप ही लोग हैं ना। खुश रहो बेटा, जीते रहो। हेलो, हाँ अच्छा, हाँ बताता हूँ मैं। हाँ, एक मिनट। थैंक्स कहकर तुम्हें बेगाना नहीं बनाएंगे। थैंक्स? पर ये जरूर कहेंगे तुम्हारा यहीं रहने का फैसला हमें अच्छा भी लगा और बुरा भी। पर ऐसा क्यों? हमारी नजरिए से देखते हैं तो ये सोचकर अच्छा लगता है तुम हमें कितना अपना समझते हो। तुमने हमारे लिए उज्जैन में रहने का फैसला कर लिया, पर तुम्हारे नजरिए से देखते हैं तो अफसोस होता है ये सोचकर कि हमारे लिए तुमने अपने अच्छे खासे करियर को त्याग दिया। सिर्फ पैसे कमाने को ही करियर बनाना नहीं कहते। पैसे कम हो तब भी काम चल जाता है, मगर अगर प्यार कम हो तो गुजारा नहीं होता। अब छोड़ो इन सब बातों को। अब तुमने आने में बहुत देर कर दी। अब ऑफिस में बहुत काम था। अभी थकी थकी लग रही हो। आओ, कम कम कम। ये लोग गर्मा गर्म चाय और लो, और ये लोग कचौरी, उसके साथ तुम्हारी ये फेवरेट धनिये वाली चटनी। आबा, तुम जानती हो इंसान बड़ा कब होता है? जब वो बात के या बिना किसी बात के परेशान रहे या उदास रहे, जैसे कि इस वक्त तुम हो। नहीं, हम उदास कहाँ हैं? कितना हो गया? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अब आप गाड़ियों के शोरूम में तो गाड़ी ही लेने आएंगे ना। मैं चाहता हूँ कि गाड़ी भी तुम ही चूज करो और कलर भी। हाँ? वो क्या है कि मुझे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है। मेरी चॉइस फिर भी गलत हो सकती है, मगर तुम कभी गलत नहीं हो सकती। वेलकम सर, वेलकम मैम। गाड़ियाँ दिखाएंगे, आइए सर, आइए मैम। ठीक है, आपके पास और भी कोई ब्रशेस होंगे? मैडम को अभी तो कुछ खास है ना सर, आइए मैम, प्लीज बी सीटेड। आया, थैंक यू। थैंक यू, लीजिए सर। हाँ, कैसा लगा? हाँ, एक्चुअली ठीक है, ये अच्छी लग रही है ना। नाइस नाइस नाइस। हमने ये गाड़ी चूज की जी, और या एंड दिस कलर जी, मैं अभी बुक कर दूँ। तुम्हें पसंद आया ना वो कलर? आबा, मुझे वो हर चीज पसंद आती है जो तुम्हें पसंद। देखो, शराफत में आकर किसी भी कलर के लिए हाँ मत बोल देना जो तुम्हें पसंद ना हो। लाखों रुपए की गाड़ी है, कोई 100-200 रुपए की शर्ट नहीं जो ना पसंद आए तो ना पहने। तुम्हें पसंद है ना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्सक्यूज मी सर, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, बस आप इन पेपर पर साइन कर दीजिए। जी, डिलीवरी कब तक मिल जाएगी? विदिन 1 वीक सर। थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? जल्दी होगी तो कर देंगे सर, जल्दी। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। चले चलो, मेरी वजह से लेट हो गई तुम। चलो तुम्हें स्वर्ण भवन छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैडम। इतने सारे डॉक्टर्स क्यों आए हैं? मैडम, कल रात से दादी जी की तबीयत बहुत खराब है। देखो करण, पेशेंट की देखभाल के लिए एक आदमी का होना उनके पास में बहुत जरूरी है। तुम चाहो तो उन्हें एडमिट भी करा सकते हो, अदरवाइज मैं एक नर्स भेज देता हूँ अपने क्लिनिक से। नहीं डॉक्टर, हम लोग सब हैं घर पे, मैं शैली भाभी करने का, तो हम लोग ध्यान रख लेंगे, डोंट वरी। एज यू विश, इमरजेंसी हो तो मुझे जरूर कॉल कर लेना, ठीक है? जी। अब ड्राइवर दवाइयाँ लेके आता होगा, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दादी को दे देना। हाँ ठीक है। हर 3 घंटे बाद देनी है। मालिक और नौकर के बीच की इस लक्ष्मण रेखा को तुम कभी पार नहीं करोगे। कनिका जी, ये दादी की दवाइयां हैं, हर 3 घंटे बाद देनी है। तो ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? इतना सा काम तुम खुद नहीं कर सकती? दादी को दवाइयां दे दूंगी मैं, किसी काम की नहीं है। अच्छा हुआ करण जो मुझे फोन कर लिया। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतनी एज के पेशेंट के साथ में इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी क्यों? अगर वक्त पे दवाइयाँ दी गई होती तो कम से कम ये हालत तो ना होती ना। करण, दादी की तबीयत कैसी है? अचानक करण को क्या हो गया? आप अगर जिम्मेदारियाँ निभा नहीं सकती तो जिम्मेदारियाँ लेती क्यों है आभाजी? बताइए तो हुआ क्या है? दवाइयाँ न मिलने के कारण कल रात को दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। दवाइयाँ आपके पास थी ना, तो फिर आपने टाइम पे क्यों नहीं दी? और फिर करण का फोन भी नहीं उठाया, वो आपको दवाइयों के बारे में पूछने के लिए फोन कर रहा था। दादी का ध्यान रखने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं, और आज मैं तुमसे ये हक छीनता हूं। यू गेट इट? गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी। आई थॉट यू वर रिस्पॉन्सिबल। कनिका जी, कल जो हमने आपको दवाइयाँ दी थी वो कहाँ है? आपने दवाइयाँ कहाँ रखी है? दवाइयाँ? कौन सी दवाइयाँ? मुझे किसी दवाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। बदतमीजी मत करो, जो पूछ रही है उसका जवाब दो। क्यों भैया, ये एक नौकरी तो है, कौन सी मालकिन है? और वैसे भी इस बेकार बकवास के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कनिका, दवाइयाँ कहाँ हैं? शायद उन्हीं के रूम में होगी। मैं देख चुका हूँ, नहीं है। दोबारा देख लेते हैं। मालिक और नौकर के बीच की इस लक्ष्मण रेखा को तुम कभी पार नहीं करोगे। रुक क्यों गई? चलो। हम इस घर के नौकर हैं, हमारा ऊपर जाना ठीक नहीं। आप जाके देख लीजिए। आवा, तुम स्वर्ण भवन की बेटी ही नहीं, बहू भी हो। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास जरूर होगा और तुम खुद हमारे रिश्ते को स्वीकार करोगी, क्योंकि इस बात में तो भगवान भी मेरे साथ है। तभी तो हालात ऐसे बने हैं कि हम इस बंधन में बंध गए हैं। अब इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता कि तुम मेरी पत्नी हो। मैडम, ये रही दवाइयाँ जो कल आपने कनिका मैडम को दी थी। करण, मिल गई दवाइयाँ। ये वाली हर 3 घंटे पे और ये वाली खाने के बाद। ठीक है, थैंक यू। कनिका। जी भैया। यू आर सो शेमलेस। तुम्हें दादी की बिल्कुल फिक्र नहीं है ना? तुमसे अच्छी आभा है, कुछ सीखो उससे। तुम्हें दवाइयों के बारे में बता के गई थी ना, क्या किया तुमने? देखिए भैया, मुझे इससे कंपेयर मत कीजिए। अगर ये इतनी जिम्मेदार होती ना तो अपना काम मुझ पर थोप कर नहीं जाती। अपना काम? कनिका, हमारी दादी बीमार है। आभा तुम्हें दवाइयों के बारे में बता के गई और तुम इतनी लापरवाह हो कि दवाइयां रूम तक नहीं लेके जा सकी। अगर अपने अपनों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ऊपर जाओ, आज के बाद दादी का ख्याल तुम और शैली भाभी रखोगी। नो गोइंग आउट। हम लता को अपने साथ लेके आए हैं, हमेशा के लिए। मतलब एक शादीशुदा बेटी का अपने मायके में रहना? क्या मतलब क्या है आपका? मतलब लता अब समरजित के पास नहीं जाएगी। बनती। मैंने क्या बोला? आभा, हम एक आध घंटे के लिए जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। कोई पूछे तो कहना अभी आ जाएंगे, समझे? दादी ऊपर अकेली और उनकी तबीयत। दादी हमारी है, झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, प्लीज करण भैया से कंप्लेन मत करना। कंप्लेन बॉक्स। मालिक और नौकर के बीच की इस लक्ष्मण रेखा को तुम कभी पार नहीं करोगे। मालिक और नौकर के बीच की इस लक्ष्मण रेखा को तुम कभी पार नहीं करोगे। आराम से दादी, बैठिए। आराम से। हाँ भा, हमारी किस्मत में तुझसे सेवा करवाना लिखा है ऊपर वाले ने। ऐसी सेवा या तो बेटी करे या बहू। फिर तेरे से भगवान काहे ये करावे है। हाँ, दवाई? अरे भैया हमारे पास है, अब चिंता काहे करे है बेटा। उनसे बहुत प्यार करता हूँ आबा, और उन्हें तकलीफ में देख नहीं सकता, इसीलिए सुबह सॉरी। इंसान अपनी पत्नी से ही उम्मीद कर सकता है ना। हम आपके और आपके बेटे के बीच कभी नहीं आएंगे। कौन हो? जिस रिश्ते से हम इनकार कर चुके हैं, बार बार उस रिश्ते का नाम लेकर हमें तकलीफ मत पहुंचाइए। ये सजा मत दीजिए हमें दादी के प्रति प्यार और आदर की। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो इंसानियत के नाते ना किया जाए। दादी माँ, सर का फोन है। अब हम चलते हैं दादी। हेलो अम्मा, तुम्हारी तबीयत खराब है, मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे कुछ भी तो ना हुआ है, खामखा तुझे काहे परेशान करती। अरे हम ही ने करण को कहा था तुझे ना बताए। अम्मा मैं अभी वापस आ रहा हूँ। अरे नहीं बेटा नहीं, जिस काम के लिए गया है उसे निपटा के ही आना। अरे यहाँ है ना इतने सारे लोग हमारी देखभाल को। बस एक आभाई है जो हमारी बात बिल्कुल ना सुने, तेरा हुक्म बराबर मानती है। तो उसे बोल कि अभी घर का काम दफ्तर का काम छोड़ दे और हमारे पास बैठे। वो हमारे पास रहेगी तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। अम्मा सब लोग हैं ना घर में? सब लोग हैं, पर उनमें आभा जैसा तो कोई ना है ना। तू बोल उसे। अम्मा सुनो, पहले मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया, फिर पूरा शादी का ढोंग रचा, और अब अम्मा की सेवा करने का नाटक करके उन्हें भी अपने जाल में फंसा रही हो, मुझसे दूर ले जा रही हो उन्हें। इस गलतफहमी में मत रहना आभा। तुम्हारे लिए मेरी बनाई हुई लक्ष्मण रेखा हमेशा रहेगी, लेकिन अम्मा का दिल रखने के लिए मैं उस लक्ष्मण रेखा को कुछ दिनों के लिए नजरअंदाज कर रहा हूँ। पर ध्यान रहे, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, जब तक अम्मा की तबीयत संभल नहीं जाती। जी सर। अब तो ना जाएगी ना हमें छोड़ के? नहीं दादी, आप आराम कीजिए। कौन से कपड़े तैयार करने हैं? हाँ मैं सोच रहा था कि बेज पैंट के साथ ना कोई लाइट ब्लू या स्काई ब्लू टाइप शर्ट पहन लूं, है ना? अरे ये सब ये एक मिनट मैं ढूंढ रहा हूँ किधर है। करण ये हटिए यहाँ से। मैं देख रहा हूँ। हटिए यहाँ से। ये सब कैसे रखा हुआ है करण? कोई भी चीज ढंग से नहीं रखी। इसमें कैसे ढूंढे कोई? जो चीज मेरे लिए मायने रखती है उसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखता हूं। वैसे एक चीज और है जो मैंने बहुत संभाल के रखी है। ये तो हमारी गुड़िया का घर यहाँ। इत्तेफाक देखिए, स्वर्ण भवन में आने के बाद मुझे भी यही कमरा मिला रहने के लिए। आपकी महक आज भी इस कमरे में है। शादी के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना पुरानी यादों को शेयर करने के लिए इसे संभाल के रख लूं। मेरा फर्ज भी है। बस चुप रहिए आप। हम इनको अभी इस्त्री करवा देते हैं। थैंक यू। करण चाची जी ने जो भी किया है बिल्कुल सोच समझ के किया है। आप ही समझाइए। लता, दूध ले लो। लता, तुम इतनी उदास क्यों हो लता? तुम चाहती हो ना कि ये बच्चा हम जानते हैं बेटा, एक औरत का पति के बगैर जिंदगी गुजारना अभिशाप होता है, लेकिन पति का अत्याचार सहना ये अभिशाप से बढ़कर होता है लता। और हम तुम्हें ये सब सहते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हम तुम्हें यहाँ ले आए। अब ये तुम्हारा फैसला है कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो या नहीं, और तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। बोलो लता। मैं अकेले इसकी परवरिश तुम कर सकती हो लता। क्या बिन बाप के बच्चों की परवरिश नहीं होती? और हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप शायद ठीक कह रही हैं। समरजीत ने तुम्हारे साथ बदसलूकी की और तुमने हमें पता तक नहीं चलने दिया। क्यों लता? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।